न्यू ईयर आने वाला है और मैं अपने व्यूअर्स के लिए प्रेयर करूंगी कि आने वाला नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा अबंडेंस और ढेर सारी सक्सेस लेके आए आपकी लाइफ में। और आप लोग मेरे से ऐसा ही प्यार बना के रखिए ताकि मैं आपके साथ ऐसे ही नए नए वीडियो और टॉपिक शेयर करती रहूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। स्वागत करती हूँ मैं मोनिका आपका अपनी लाइफ में। आज का टॉपिक है न्यू पॉजिटिव रेजोल्यूशन फॉर एवरी मंथ। नए साल पे बहुत सारे लोग संकल्प लेते हैं, एक ऐसा पॉजिटिव संकल्प जो कि उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेके आए। लेकिन कई लोग उनमें से ऐसे होते हैं जो संकल्प तो ले लेते हैं लेकिन वो चीज़ चलती है खाली 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन। तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि इस बार मैं जो रेजोल्यूशन लूँगी उसको महीने के हिसाब से लूँगी ताकि एक महीना कम से कम मैं उसको चला सकूँ और अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सकूँ। क्योंकि साल भर के तो गारंटी शायद वही कर सकते होंगे जिनकी विल पावर बहुत ज़्यादा हो, मेरी विल पावर इतनी ज़्यादा नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये ट्राई करके देखते हैं कि महीने के हिसाब से एक संकल्प बनाएं और उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करें, अपना 100% दें उस पॉजिटिव संकल्प को पूरा करने की। मैं काफ़ी ज़्यादा पुराने कपड़ों को यूज़ करती हूँ अपने घर की सजावट के लिए और किसी दिन ये पूरा वीडियो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि मैंने कौन कौन से पुराने कपड़ों से नई नई चीज़ें बनाई हैं। ये जो पिलो कवर मैं तय लगा रही थी इसमें जो फ्रिल लगी है वो मैंने अपने पुराने रजाई के कवर से लगवाई थी ताकि वो रजाई का पुराना कवर मेरे काम आ जाए और ये देखने में भी सुंदर लगे। क्योंकि ये कपड़ा मेरी मम्मी ने दिया था मुझे जो काफ़ी पुराना था और मैंने इससे दो बेडशीट और दो पिलो कवर बनवा लिए हैं। इसी के साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने पिलो कवर और बेडशीट को किस तरीके से रखती हूँ। क्योंकि कई बार पिलो कवर इधर उधर हो जाते हैं और बेडशीट रखी रहती है या फिर बेडशीट हमने कहीं और रख देते हैं और पिलो कवर कहीं और रख देते हैं जिसकी वजह से हमें ढूंढने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन मैं अपनी बेडशीट और पिलो कवर जिस तरीके से रखती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं लेती हूँ पिलो कवर एक और इसमें रख देती हूँ अपनी बेडशीट और दूसरा वाला पिलो कवर और बस इसी को रख देती हूँ साथ में। इस तरीके से जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है मेरे को ढूंढने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। तो फ्रेंड्स ये ट्रिक आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। और आज जो मैंने सबसे पहले वीडियो में शेयर किया था वो था मेथी का चीला जिसका शॉर्ट्स मैंने डाला हुआ है पहले ही अपने चैनल पे, आप देखिएगा ज़रूर। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ विंटर की एक ऐसी थाली जो मेरे घर में तो अक्सर बनती है। ये बना रही हूँ मैं बाजरे की रोटी उस थाली को पूरा करने के लिए। उस थाली की सारी सब्जियाँ तो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, अगर आपको उस थाली में परोसी गई कोई भी सब्जी की रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं शेयर ज़रूर करूँगी। तो ये जो बाजरे का आटा है आप या तो गर्म पानी से गूंथिए या ठंडे पानी से, किसी भी तरीके से गूंथ सकते हैं, बस इसका जो आटा है थोड़ा सा सॉफ्ट रखिएगा, उससे आसानी से ये जो रोटियां हैं बन जाती हैं। बस थोड़ी सी लोई लीजिए और इस तरीके से चकला बेलन से बेलकर बना लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती हैं सर्दियों में घी के साथ, गुड़ के साथ, एक बार खा के ज़रूर देखिएगा। मैं दिखाती हूँ कि इस थाली के लिए मैंने क्या क्या बनाया है। ये है पालक की दाल जिसको मूँग की साथ दाल के साथ बनाया है, और ये है पपीते की सब्जी, और ये है बथुए का रायता, और जो सूखी सब्जी बनाई है वो है मेरी बेटी की फेवरेट सोया आलू। बाजरे की रोटी बनाने के लिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितना आप इसको कसमसेंगे, जितना इसको पानी डाल के अच्छे से गूंथेंगे उतनी ही अच्छी रोटी बनेगी और उतनी ही अच्छी से बेल जाएगी रोटी। तो दोस्तों आज मैंने आपके साथ तीन टॉपिक शेयर किए जिसमें से दो खाने के थे, एक नॉर्मल था और एक मैंने अपना सीक्रेट बताया कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन को मैं न्यू ईयर नहीं बल्कि न्यू मंथ के हिसाब से करूंगी ताकि मेरे रेजोल्यूशन जो भी मैं बनाऊं उनको पूरा कर पाऊं और उनके साथ अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज लेके आऊं। जनवरी मंथ का जो मेरा रेजोल्यूशन होगा वो ये होगा कि मैं हर पूर्णिमा को जो थाली निकालती हूँ मैं मंदिर में देती हूँ, और मैंने इस बार सोचा है कि मैं उस थाली में से, उस खाने में से
एक ऐसे जन को दूंगी जिसको उसकी बहुत ज़रूरत है, ताकि उसका एक टाइम का पेट भर सके, और ये मैं हर अमावस्या और हर पूर्णिमा पे करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को ये बात अच्छी लगी हो तो आप भी अपनी लाइफ में ये चीज़ ला सकते हैं, जिससे किसी का पेट भी भर जाएगा एक टाइम का, और आपको भी अंदर से बहुत अच्छा लगेगा। एक चीज़ मैं आपसे और शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे अंदर आदत है कि मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रह पाता है, इसलिए जो भी मैं रेजोल्यूशन बनाऊँगी उसे अपनी डायरी में नोट ज़रूर करूँगी। और इस चीज़ के लिए मैंने डायरी तो मंगवा ली है और उसमें लिखना भी शुरू कर दिया है। तो पहला जो मंथ का मेरा रेजोल्यूशन होगा, जो संकल्प मैंने लिया है, उसे मैं पूरी तरीके से कर पाऊँ, उसे पूरी तरीके से निभा पाऊँ पूरे साल, इसमें आप लोग भी मेरी मदद करिएगा। और मैंने जो रेजोल्यूशन लिया है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी अपनी लाइफ में ज़रूर लेके आइएगा। तो लीजिए, मेरी ये थाली बिल्कुल तैयार है और बहुत ही टेस्टी बनी है।